मामला श्योपुर शहर के वार्ड क्रमांक 14 का है, जहां वार्ड में स्थित आंगनवाड़ी भवन के बगल में पड़ी शासकीय भूमि पर वार्ड वासियों के सहयोग से एक शिव मंदिर का निर्माण 15 वर्ष पूर्व कराया गया था, जो कि वार्ड वासियों का आस्था केंद्र भी है। मगर जन जन की आस्था के केंद्र शिव मंदिर पर इन दिनों शिव मंदिर के ठीक सामने निवासरत रमेश राव नामक व्यक्ति ने कब्जा कर मंदिर के मेन गेट पर ताला जड़ दिया, जिससे लोग अपने आराध्य देव के दर्शन से वंचित हुए हैं। वहीं लोग मंदिर में पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, जहां समस्याग्रस्त श्रद्धालुओं ने बेजा कब्जा हटाया जाने को लेकर पुलिस कोतवाली में आवेदन भी दिया, जहां वार्डवासियों ने बताया कि 15 वर्ष पूर्व शिव मंदिर पर वार्ड 14 में निवासरत रमेश राव ने कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में लगे शीशम के पेड़ को भी उक्त व्यक्ति द्वारा कटवा दिया गया। वार्डवासियों ने विरोध किया तो उक्त व्यक्ति वार्डवासियों से गाली गलौज व उतारू हो गया, जिसको लेकर वार्डवासियों ने कोतवाली पुलिस को ज्ञापन सौंपा। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। ये जो यहाँ पे मंदिर बनाया है, ये किसने बनाया है? 5 आदमी पूरा मोहल्ला मैंने उगा करिए, और ये खुद भी था उगा करवाने में 100-100, 200-200 रुपए उगा करके लगाया है। 15 साल पुराना मंदिर है, इसमें इसने 15 साल से मतलब 12 साल 10-12 साल से स्टार लगा रखा। पहले विवाद हमने मुझसे करा था, और ये सभी लोग थे इसमें पूरा मोहल्ला का, और इन्हें 10-12 साल से तार लगा रखा। कोई पब्लिक आती पूजा करने में उसको पूजा नहीं करने था, और ये कल तो पेड़ ही कटा दिया इसने। पेड़ क्यों कटाया पहली बात तो, पेड़ क्यों कटाया है मेरा? ये 5 आदमी में पेड़, 5 आदमी बूझी का पेड़ की, 5 आदमी बूझी के पेड़ की, पेड़ क्यों कटा इसमें ये तो पहली बात तो, 5 आदमी का पेड़ है ना ये मंदिर, 5 आदमी इसका निजी मंदिर है ये, इसका फिर पूछने चाहता हूँ मैं। इसके लिए आवेदन वगैरह दिया आपने? आवेदन दे दिया मैंने, दे दिया मेरे भाई, दे दिया कल आवेदन दिया है। कहाँ पे दिया है आवेदन? नाम दे दिया कल नगर पालिका में, दे नहीं पाया ये नगर पालिका में, कल जाएगा साहब। तो थाने में आवेदन दिया है तो फिर पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वालों ने आज आने की सर, आज आने की। हाँ देखिए सब आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो अभी देख रहे हैं कि पेड़ वेड़ काट दिए हैं, तो ये पेड़ किसने काटे? मतलब रमेश जी ने काटा, कोई अनुमति नहीं, कोई मोहल्ला बूझी नहीं, ये तो निजी संपत्ति होगी इसका मतलब। क्या कह रहे हैं मतलब? ये निजी संपत्ति होगी मतलब, ये चाह रहे हैं तो हमारी निजी संपत्ति है ये। नहीं अभी जैसे यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि मंदिर पे ना तो कभी पूजा हुई है, पूजा करवा देगा जब लुगाया थी जो बगैर खान पूजा तार लग रहा है इसमें, कौन कुछ है इसमें तार लगा रखा है इसमें, सबूत देख लो आप, देख लो आप सबूत देखो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ पब्लिक ने यार, पब्लिक आती पूजा करने, मैं तो कह आता नहीं पूजा का अगरबत्ती लगाता हूँ, मगर पूजा करने आती बहुत सी लोग है वो बगा देते, पूजा ये खुद करवा दी आज। श्रावण के महीना में पूरा में पूजा में दूर 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 जाकर के भटकना पड़ता है, दूर दूर जाते पब्लिक हमारा मोहल्ला मंदिर को, चलो मंदिर बन जाएगा। अब आपका क्या कहना है कि मंदिर मंदिर रहेगा? मंदिर क्या मेरा क्या कहना, पूरा मोहल्ला कहना मंदिर है ये, वो तो शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। पिंड लाएंगे पिंड पे, वैसे बना मिली पिंड भी इसने बनाई थी, ये पिंड भी इनकी है, नहीं बनाई है पिंड भी, और आज कब्जा करने जा रहे हैं, भाटा भी इसने बताया है, ये हमारे साथ शामिल था ये जो आज कब्जा करने जा रहा। आबादी के हिसाब से और अब जो है इस निजी निर्माण करने के बावजूद ये पेड़ पौधे कटाए गए, तो ये अभी जैसे मंदिर का ताला लग रहा है। हाँ, तो ये ताला किसने लगाया? ये रमेश जी ने लगाया। तो अब ये ताला नहीं खोल रहे? ताला देख लो आप क्वेश्चन, आपने जो श्रावण के अंदर महिला है पूजा करने के लिए आती है तो ताला लगा हुआ मिलता है, उनसे विवाद करते हैं, भग जाती है बेचारी, एक दूसरी जगह मंदिर पे जा करके अपना पूजा पाठ कर लेती है। तो यहाँ पे जैसे फिर आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की इसकी? नहीं, शिकायत तो इसलिए नहीं करी कि भाई अपनी तब समझ जाए, अपनी तब समझ जाए, बाकी समझने का कोई वो नहीं बनता है इनका रोल। तो अभी जो ये पेड़ वेड़ काटे हैं तो ये किस नियत से काटे हैं? किसी से कोई सहारा नहीं लिया, किसी से पूछा नहीं है, और अपनी मर्जी से ये काम किया, और पेड़ काटने की वजह यही है इसको जो अपने निजी संपत्ति बनाने के कारण ये काम कर लिया। तो मतलब ये इस उद्देश्य से काटे गए कि जैसे इस पर कब्जा किया जाए? हाँ, हाँ, हाँ। और ये मंदिर मोहल्ले वालों ने सबने मिलकर बनवाया? पूरे मोहल्ले का, इस पर पहले भी विवाद हो चुका था, और विवाद के कारण जो मतलब पहले जो बड़ी मुश्किल से इस मंदिर को बचाया, अब इन आमने सामने को समझते हुए अपनी संपत्ति बनाने के लिए इस पर पेड़ पौधे कटवा दिए, और किसी को जो मतलब कोई चांस नहीं देता पूजा करने का।